को बच्चों, इस लेक्चर में हम ये आज डिस्कस करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस की जिक्र होती है वो कौन कौन से चार्जेस हैं। वी डील विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइक एज पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इंड्यूस चार्ज एंड बाउंड चार्ज। One by one, I would like to discuss to you people about all these different four types of charges. So firstly, what is point charge? Point charge, it means that just we can imagine a point. So the amount of charge will be confined to the point that is called point charge. मतलब ये हुआ कि एक बिंदु का कॉन्सेप्ट तुम समझते हो और एक बिंदु जैसे जगह पर जितना चार्ज समराहित हो जाए, जितना चार्ज स्थापित हो जाए, उस चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग पॉइंट मास की परिकल्पना देते हैं, उसी तरह से पॉइंट चार्ज का भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करते हैं। दूसरी बात आती है टेस्ट चार्ज। जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है, टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है यदि कोई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सपेरिमेंटेशन के दौर से गुजरते हैं या कहीं कोई डेफिनेशन देते हैं तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज की कॉन्सेप्ट दी जाती है। जैसे हम फील्ड को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज की कॉन्सेप्ट को देते हैं। यानी एक ऐसा चार्ज जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता, या अगर होता भी है तो वह बहुत ही तुच्छ होता है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, ऐसे चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। और ऐसे चार्ज का प्रयोजन जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या डेफिनेशंस होते हैं उनको देने में हम लोग करते हैं। अगर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू जीरो की बात करते हैं तो लिखते हैं लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो। इसका मतलब है कि वह चार्ज जीरो के बराबर न होते हुए भी बहुत ही कम है, और ऐसे चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। तीसरी जो चार्ज होती है उसको हम लोग इंड्यूस चार्ज के नाम से जानते हैं। इंड्यूस चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इसके बाद वाले लेक्चर में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे एक फेनोमेना जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। एक साधारण सी बात जो कि पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक प्लास्टिक की कंघी को लेकर के और एक सूखे हुए बाल को यदि रब करते हैं तो ये देखते हैं कि प्लास्टिक की जो कंघी होती है वह एक प्रॉपर्टी को अक्वायर करता है, और इस प्रॉपर्टी के चलते उस प्लास्टिक के कंघी को जब हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वह जो प्लास्टिक की कंघी है उसमें एक गुण प्रॉपर्टी डेवलप करती है, जिसके चलते वह जो प्लास्टिक की कंघी है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को दूर से ही खींच लेता है। आखिर वह जो कागज का टुकड़ा है जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है कैसे खींच लिया? तो याद रखो कि अगर कोई चार बॉडी को हम इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो ये देखते हैं कि वह जो बॉडी है उस पर ऑपोजिट नेचर का चार्ज पैदा हो जाता है। तो अगर एक चार बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सानिध्य में लाएं, सानिध्य में लाने का मेरा सेंस ये है द चार बॉडी नॉट ब्राउट इन बॉडली कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी बट इट इज केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, अर्थात जो चार बॉडी है उस चार बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक लाया जाता है, उसके बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं लिया जाता है, फिजिकल बॉडी कॉन्टैक्ट यानी उससे स्पर्श नहीं किया जाता, सटाया नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में वह जो वस्तु है उस पर विपरीत प्रकृति का अपोजिट नेचर का इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। यह जो चार्ज होता है, इस तरह के जब चार्ज पैदा होते हैं तो इस तरह के चार्ज को हम लोग इंड्यूस चार्ज के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्लास्टिक की कंघी when the plastic comb it is allowed to rub with dry hairs and it is brought
near the small pieces of paper, then the small pieces of paper get attracted. This is because of the fact that on the piece of paper, opposite nature of electric charge is developed. Suppose this pen, it is the plastic cup, and suppose it acquires positive charge by rubbing dry hairs. Now it is brought in contact of a small piece of paper. This plastic comb attracts the small piece of paper towards itself, and finally the piece of paper gets sticked. This happens because when this plastic comb is brought near the piece of paper, opposite nature of charge, that is negative charge, is induced. So such a charge, it is called induced charge. Lastly, bound charge. Bound, जैसे कि सबसे हम लोग परिचित हैं, bound का मतलब होता है आबद्ध होना. जैसे अगर तुम्हें किसी रूम में रहने के लिए छोड़ दिया जाए और बाहर से दरवाजे सारे लॉक कर दिए जाएं, तो तुम्हारी जो स्थिति होगी वह ऐसा होगा जैसे उस रूम के अंदर तुम बिल्कुल ही बंद गए. जैसे प्रिजनर्स जो होते हैं, कैदी जो होते हैं, वह जेल के अंदर एक खास लोकेलिटी, एक खास रीजन तक ही कैद होकर के रहते हैं. बिल्कुल ही वही स्थिति यहाँ पर भी है. यदि चार्ज कुछ कॉन्फाइंड रीजन तक आबद्ध होकर के रह जाएं, कॉन्फाइंड होकर के रह जाएं, तो ऐसे चार्ज को हम लोग बाउंड चार्ज के नाम से जानते हैं. जैसे बाद के लेक्चर्स में जब हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि अगर एक चार्ज मेटलिक प्लेट लेते हैं और उसके जस्ट बगल में, उसके नज़दीक में एक न्यूट्रल मेटलिक प्लेट को रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वह जो न्यूट्रल मेटलिक प्लेट होता है उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप करता है, जो कि इंड्यूस्ड चार्ज होता है, और दूसरे फेस पर सेम नेचर का चार्ज डेवलप करता है. अगर किसी तरह से वह जो दूसरा प्लेट है उसको अर्थली ग्राउंडेड कर देते हैं, तो जो उस फेस पर चार्ज डेवलप करते हैं सारे अर्थ में फ्लो कर जाते हैं. और इस तरह से जो प्लेट होता है, सेकंड प्लेट, उसमें जो चार्जेस होते हैं वो कन्फाइंड हो जाते हैं दोनों प्लेट के बीच. ऐसे चार्ज को हम लोग बाउंड चार्ज के नाम से जानते हैं. उसी तरह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज की भी कंसेप्ट दी जाती है. यूनिट का मतलब ही होता है वन, और पॉजिटिव, जैसे कि तुम जानते हो, चार्ज है. अगर वन कूलम चार्ज और अभी पॉजिटिव नेचर हो, तो ऐसे चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है. अब हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तुम्हारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर है. तो हम कंडक्टर और इंसुलेटर की के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. ऐसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कीपिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन माइंड, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, दे आर स्पेशली क्लासिफाइड अंडर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी, इट इज द कंडक्टर, सेकेंड वन इट इज इंसुलेटर, एंड थर्ड वन इट इज कॉल्ड द सेमी कंडक्टर. हमने यहाँ पर सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर को ही लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब्जेक्ट मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं है. इसलिए आई वुड लाइक टू फोकस आवर अटेंशन टुवर्ड्स दिस कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं. जितने भी मेटलिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो मेटल के बने होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि सभी मेटलिक सब्सटेंसेस को हम लोग, मेटलिक पदार्थ को हम लोग कंडक्टर के अंतर्गत कंसिडर करते हैं. दूसरी तरफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के बारे में हम यूँ कहेंगे कि एक इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही कम होती है. ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द
बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे और इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस और भी करेंगे। तो इंसुलेटर जो है विच कंटेन्स ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, जैसे तुम्हारा पेपर हुआ, वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, सच टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर कंसिडर्ड एज इंसुलेटर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज द चार्जिंग ए बॉडी। मीन्स दैट अगर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी हो और एक चार्ज बॉडी हो, तो उस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के मदद से कितने ऐसे हमारे पास वेज हैं, कितने ऐसे हमारे हमारे पास तरीका है जिनके माध्यम से एक न्यूट्रल बॉडी को, एक अनचार्ज बॉडी को, एक चार्ज बॉडी के द्वारा उसको चार्ज किया जा सके। सो वी हैव गॉट द टू मेथड्स, दी आर टू मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इट इज बाय कंडक्शन मेथड एंड सेकंड इट इज बाय इंडक्शन मेथड। यानी एक अनचार्ज बॉडी को अगर किसी दूसरे चार्ज बॉडी से चार्ज करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो तरीके होते हैं और इन दो तरीकों को हम लोग, एक को कंडक्शन मेथड कहते हैं और दूसरे को हम लोग इंडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। अब हम बारी बारी से इन दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन मेथड क्या है? व्हाट इज कंडक्शन मेथड? जस्ट नाउ ट्राई टू कंसिडर, दिस इज एन इंसुलेटेड स्टैंड एंड लेट देयर बी अ मेटलिक स्फीयर विच इज केप्ट एट द टॉप ऑफ दिस इंसुलेटिंग स्टैंड। ये एक स्टैंड है और ये स्टैंड इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है और ये स्टैंड के ऊपर एक मेटल लिया गया। मान लीजिए ये मेटल जो है एक्स है, यह मेटल न्यूट्रल। अब हम इस मेटलिक सब्सटेंस को किसी दूसरे चार्ज बॉडी के द्वारा, जैसे मान लिया जाए ये एक चार्ज कंडक्टर है और जस्ट इमेजिन करो कि ये जो कंडक्टर है इसके संपूर्ण आवरण पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड है, पॉजिटिव चार्ज इस पर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हाथ में दस्ताने पहन लें और इसको लेकर के और सीधे इससे स्पर्श करा दें, आई वॉन्ट टू से दैट दिस चार्ज बॉडी वाई इट इज ब्राउट इन बॉडी कॉन्टैक्ट ऑफ दिस मेटलिक स्फीयर एक्स। अर्थात यह जो चार्ज बॉडी है इसको इस मेटलिक स्फीयर के बॉडी कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली बॉडी यानी इससे स्पर्श करा दें। यदि हम इसको स्पर्श कराते हैं तो हम क्या पाते हैं? जब हम ये काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि सेम नेचर का चार्ज, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है, जब इसको इससे स्पर्श करते हैं तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। यह जो मेथड हुआ इस मेथड को हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इन कंडक्शन मेथड द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन बॉडी कॉन्टैक्ट ऑफ द न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी। नाउ कम टू डिस्कस द सेकंड मेथड, इट इज कॉल्ड द इंडक्शन मेथड। ये भी इंडक्शन मेथड है क्या? वही पुरानी एक्टिविटी, वी टेक ए प्लास्टिक कॉन, जस्ट लेट अस टेक हियर, वी हैव गॉट ए प्लास्टिक कॉन, जस्ट सी हियर, दिस इज ए प्लास्टिक कॉन एंड दिस प्लास्टिक कॉन इट इज रब्ड विद ड्राई हेयर। नाउ व्हेन दिस प्लास्टिक कॉन इज अलाउड टू रब विद ड्राई हेयर, जस्ट इमेजिन इट अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। नाउ वी टेक ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जस्ट नाउ सी
This is a very small piece of paper. Now we bring this plastic comb near this a small piece of paper. यह जो प्लास्टिक की कंघी है इसको हम लोग ये जो कागज का टुकड़ा है इसके समीप लाते हैं. इस बात को ध्यान रखा जाए कि इस प्लास्टिक की कंघी को इससे बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं कराना है, अर्थात इससे कुछ दूरी मेंटेन करना है. जैसे जब ही ये काम करते हैं हम क्या पाते हैं, क्योंकि ये कागज का बना हुआ है, स्वाभाविक सी बात है यह भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और न्यूट्रल बॉडी है तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे. इस बात को याद रखा जाए, ये न्यूट्रल है. क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि एटम से बना है. एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है. तात्पर्य ये कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन की संख्या भी होगी. जब इस प्लास्टिक की कंघी को इसके नजदीक लाते हैं तो यहां पर एक घटना घटती है. उस घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं. इस घटना में होता क्या है? इस घटना में होता यह है कि इस पर ऑपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस कर जाता है, डेवलप करता है. ध्यान दो, यहां मैंने इंड्यूस शब्द का इस्तेमाल किया. इंड्यूस, प्रेरित होना, अपने आप उत्पन्न होना. इसलिए यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम लोग इंड्यूस चार्ज कहेंगे. और इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के चलते जो भी चार्ज इंड्यूस होता है उसका नेचर जस्ट ऑपोजिट होता है. यानी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम है और इसके समीप लाएंगे तो ये सटाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होती है. ऐसे घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं. अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है बालक कि ये जो कागज का टुकड़ा है क्या वास्तव में ये चार्ज हुआ? अगर गंभीरता पूर्वक इस पर हम विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो चार्ज इंड्यूस होते हुए महसूस तो होता है लेकिन एज ए होल अभी भी ये पीस ऑफ पेपर न्यूट्रल ही है. ये क्यों है इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं. मान लो कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे. जब इस प्लास्टिक के कंघी को इसके समीप हम लाते हैं तो यहां पर एक खास घटना का अंजाम होता है. क्या होता है? इसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनके बीच सेपरेशन होना शुरू हो जाता है. तात्पर्य मेरा ये कि अगर ये कागज के टुकड़े को हम दो पार्ट में बांट दें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं तमाम इलेक्ट्रॉन इस कागज के टुकड़े के इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे और जितने प्रोटॉन हैं वो तमाम प्रोटॉन इस पेपर के राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं. अब ध्यान रखा जाए इस बात को, ये जो पार्ट है क्योंकि इस पार्ट में सबसे ज्यादा माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन की होती है उसकी वजह से ये पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और तब ये इससे खींचा जाता है. लेकिन इसी कागज का जो रिमेनिंग पार्ट है इसी पॉजिटिव चार्ज से रिपेल भी होता है. तो मैंने यहां पर स्पष्ट रूप से तुम्हें यह बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में वास्तव में जो न्यूट्रल बॉडी होता है एज ए होल अभी भी वो न्यूट्रल ही होता है. एक्चुअल में स्ट्रिक्टली टेलिंग इन दिस फेनोमेना सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन only the separation between electrons and protons takes place. आज की लेक्चर बस इतने ही.